नीलम कुरफे। मानसून का सीजन आते ही महंगाई आसमान छू रही है। सब्जियों के दाम इस वक्त बेलगाम होते जा रहे हैं। टमाटर जैसी चीज भी इस वक्त 140 से 160 रुपए किलो तक बिक रही है, जिसकी वजह से लोगों को खरीदारी करने में खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। न सिर्फ टमाटर बल्कि धनिया, अदरक, भिंडी, गोभी, ऐसी तमाम सब्जियां जिनके रेट हमेशा स्टेबल रहते, स्थायी रहते हैं, उनके दाम जो है इस वक्त आसमान छू रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लोग खरीदारी करने आए हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उनके लिए अपना बजट मैनेज करना कितना मुश्किल हो रहा है। सर, लगातार हम देख रहे हैं कि जब से बारिश शुरू हुई है सब्जियां काफी महंगी हो गई हैं, कैसे मैनेज कर पा रहे हैं? अब मैनेज तो करना पड़ता है, घर गृहस्थी चलाना है, तो एक किसी का बजट किसी में मतलब कटौती करके बेसिकली मैनेज करना पड़ता है। सर, एक और हम देख रहे हैं कि किसान भी परेशान है, उन्हें अपनी सब्जियों के, अपनी फसलों के दाम नहीं मिल रहे। वहीं दूसरी ओर जनता भी परेशान है क्योंकि उन्हें महंगाई का सामना करना पड़ रहा है और सरकार का ध्यान इस तरफ नहीं है। कुछ कहना चाहेंगे खास तौर पे, क्योंकि आम आदमी सबसे ज्यादा पिसता है इस बीच? नहीं, अब सरकार का ध्यान तो जनता के प्रति है, अपन इसमें नहीं कहेंगे कि सरकार कई तरह से लोगों को रियायतें, सहायता दी जा रही है, बट सीजनल चीजें हैं, नहीं आती हैं, इसमें शायद महंगा हो, पर महंगी तो चीजें हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो देखिए, चीजें महंगी है और खास तौर पर जिस तरीके का मौसम हम बात करें उसकी वजह से सबसे ज्यादा सब्जियां महंगी हो रही है। टमाटर के महंगे होने का बड़ा कारण ये भी है क्योंकि राजधानी भोपाल में टमाटर बेंगलुरु से आता है या आसपास के कुछ गांव से और छोटे जिलों से आता है। वहीं कुछ सब्जियां भी जो है बाहर से ही सप्लाई होती है, इसकी वजह से सब्जियों के दाम जो है बढ़ते हुए मिल रहे हैं। व्यापारियों से बात करने की कोशिश करेंगे कि उनके लिए कितना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि आम जनता की जेब पर तो फर्क पड़ ही रहा है। भैया, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त सब्जियों के क्या दाम चल रहे हैं? हेलो जी भैया, सब्जियों के क्या दाम चल रहे हैं इस वक्त? दाम 160 रुपए किलो चल रहा है बैगन वैगन। जो गोभी हो गई, धनिया, गोभी 80 रुपए किलो, गोभी 80 रुपए किलो चल रहा है। भैया, क्या वजह समझ में आ रही है कि एकदम जैसे बारिश शुरू हुई है तो सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं? इसमें मालिक कम आ रहा है। कब तक आप लोगों को लग रहा है कि ऐसे ही दाम बढ़े हैं? अब देखिए कब तक बढ़े, हम लोग खरीदार हैं, तो मंडी चलाते हैं, मंडी वाले। जो लोग यहाँ खरीदारी करने आते हैं उन लोगों ने क्या कटौती की है खरीदने से पहले जितना खरीदते थे उसकी तुलना में अब कैसी खरीदारी? कटौती हो रही है अब इसमें। बढ़ती हुई महंगाई का असर लोगों की जरूरतों पर भी पड़ा है, कहीं ना कहीं जरूरतों पर भी जो है कटौती की गई है, क्योंकि टमाटर, धनिया, मिर्ची, अदरक ये ऐसी चीजें हैं जो हर एक सब्जी में डलती है, हर एक पकवान में डलती है और इनके बिना जो है स्वाद नहीं आता। पर अगर स्वाद, सेहत का ध्यान रखा जाए तो कहीं ना कहीं आम आदमी की जेब पर फर्क पड़ता है, इसलिए जरूरतों पर भी कटौती की गई है। कारोबारियों को ये आशंका है कि जब तक मानसून का सीजन चलेगा सब्जियों के दाम इसी तरह से बढ़े हुए मिलेंगे, पर साथ ही एक उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि अगर सप्लाई चेन में कहीं कोई मुश्किल नहीं हुई तो दाम जो है उनमें उतार चढ़ाव जरूर देखने को मिल सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट अनवर के साथ